मोदी जी ने भारतीय लोकतंत्र का गला घोटने के लिए संसद को बिल्कुल गूंगी और बहरी लोक कर दिया है। संसदीय समितियों की व्यवस्था को पूरी तरह से धीरे धीरे ऐसा विकलांग बनाया जा रहा है कि कोई भी सांसद अपनी बात वहाँ ना रख सके। किसानों की बलि लेकर इतने लोगों को परेशान करके और तकरीबन कृषि क्षेत्र में हम देखें तो तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपये का नुकसान जो है देश की अर्थव्यवस्था को इस दौरान हुआ। इन्होंने विपक्ष को जो है विपक्ष के साथ ऐसा बर्ताव करना शुरू किया है जो कि नाजी के हिटलर के जो नाजी रूल था उस समय होता था। गांधी जी के 3 बंदर थे, अब मोदी जी के 3 बंदर हैं और इन 3 बंदरों ने देश की संसद को पूरी तरह से अपमानित करने का पूरा ठेका ले रखा। उनके आड़ में जो है उन्होंने जो है प्रेस गैलरी बंद कर दी, विजिटर गैलरी बंद कर दी, ऑफिसर्स गैलरी बंद कर दी। अब संसद के अंदर जो हो रहा है वो बाहर के आदमी को नहीं पता चलेगा टीवी के अलावा। तो ये संसद तो आवारा से भी ज़्यादा लाचार और लुंजपुंज हो गई है। इस संसद को जो है इस समय पाला पड़ा हुआ है और ये संसद लोगों की समस्याओं के ऊपर विचार करने काबिल नहीं रही है। नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदोश में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बात करते हैं किसान बिल को लेकर, क्योंकि जैसे ही सत्र शुरू हुआ तो किसान बिल वापस ले लिया गया बिना किसी बहस के। अब मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूँ, क्या इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन वाली लाइन थी? क्योंकि मोदी जी ने बहस तो कराई नहीं, कोई बहस हुई नहीं, तो उसके पीछे की राजनीति क्या है? जो किसान बिल मोदी जी बड़ी धूमधाम से 5 जून 2020 को लाए थे जी, आप समझो उन्हें मोदी जी ने चिता पर चढ़ा दिया संसद के सत्र की पहली जो बैठक थी उसमें जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसान बिल आए क्यों ये कोई नहीं जानता, ख़त्म क्यों हुए ये भी कोई नहीं जानता। सिर्फ लोग एक चीज़ जानते हैं कि जब मोदी जी इनको लाए थे बड़े गाजे बाजे के साथ तो ये बता रहे थे कि किसान के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा और उसकी वजह से किसान जो है उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी, वहाँ पर जो है विकास की गंगा बहने लगेगी। लेकिन जब किसानों ने उसका विरोध करना शुरू किया और वो दिल्ली तक आ गए और तकरीबन 80 लाख किसानों ने इस आंदोलन में मोदी सरकार के खिलाफ कभी ना कभी धरने और प्रदर्शन में हिस्सा लिया और उसमें 3731 किसान जो थे वो मारे गए, तो इतने किसानों की बलि लेकर इतने लोगों को परेशान करके और तकरीबन कृषि क्षेत्र में हम देखें तो तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान जो है देश की अर्थव्यवस्था को इस दौरान हुआ। तो ये सब करने के बाद मोदी जी ने वापस ले लिया और वापस लेने के लिए मोदी जी की सरकार की ये चतुराई कहें या बेवकूफ़ी कहें कि उसने संसद में न पहले चर्चा होने दी न अब चर्चा होने दी। तो संसद किस लिए है जी? संसद का मतलब यह है कि एक गूंगी और बहरी संसद तो नहीं होती। संसद का मतलब होता है कि वो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो है संस्था है, जहाँ पर जो है बैठकर लोग जो है सांसद जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बहस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और उनके विचारों से पूरे देश को पता चलता है कि देश क्या सोच रहा है। लेकिन मोदी जी जो है संसद से हमेशा भागते रहे। वो 12 साल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 7 साल से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन संसद में वो आते हैं, दर्शन देते हैं और एक तरह से जिन्न की तरह गायब हो जाते हैं। इस संसद के सत्र में भी जब संसद के सत्र की शुरुआत हुई तो 10:30 पर मोदी जी अवतरित हुए, उन्होंने वहाँ पर अपनी शक्ल दिखाई और उसके बाद 30:31 पर वो गायब हो गए और उसी दिन संसद में इन चीज बिलों पर चर्चा होनी थी। तो अगर किसान बिल के बारे में अगर आप ढूंढें कि संसद में मोदी जी लोकसभा में या राज्यसभा में किसान बिल के समर्थन में क्या बोले तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब ऐसी हालत में एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि मोदी जी संसद की मर्यादा को, संसद में जो विपक्ष है वो उसका काम यह है कि आवाज़ उठाए जी। तो विपक्ष जो है अपनी आवाज़ 3-4 जगह उठा सकता है। एक संसद है जहाँ वो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनका हक होता है। एक वो प्रेस होता है, मीडिया होता है, जहाँ पर वो अपनी बात उठा सकते हैं। तीसरी जगह होती है जो सड़क है, जहाँ पर वो धरने प्रदर्शन करते हैं अपने और आयोजन करते हैं। और चौथी जगह होती है वो अपने मुखपत्र वगैरह में अपनी बात कह सकते हैं। तो मोदी जी ने भारतीय लोकतंत्र का गला घोटने के लिए संसद को बिल्कुल गूंगी और बहरी लोक कर दिया है। और वैसे में मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ तो गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पर जलसा किस तरह हुआ होगा। बढ़िया। तो संसद जो जलसे की जीवंत परंपरा की चीज़ होनी चाहिए, उसमें बीजेपी के सांसद तो बोलते ही नहीं,
उन विचारों को बोलने का अधिकार ही नहीं है, उनको क्या विचार मंत्रियों को बोलने का अधिकार नहीं है, और उसमें हम देखेंगे कि लोकसभा में और राज्यसभा में विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है। और पिछली बार तो 12 अगस्त को 11 अगस्त को संसद में जो है राज्यसभा में जो हंगामा हुआ, जिसमें कि महिला सांसदों को पुरुष जो वाचन वार्ड के लोग थे उन्होंने पीटा, और जो पुरुष वाचन वार्ड के लोग थे उनके आगे महिलाएं खड़ी कर दी, और इस तरह खड़ी कर दी कि अगर कोई सांसद कुछ करे तो वो कहे महिलाएं कि जी से हमें छेड़ा, और महिलाएं इसलिए कि भाई पुरुष सामने खड़ा है। और उस समय ही नोटिफिकेशन आया लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति जो कि देश के उपराष्ट्रपति होते हैं दोनों का सम्मिलित, कि किसी भी सदन में कोई भी यानी दूसरे वाचन वार्ड का डिपार्टमेंट का आदमी जा सकता है। संसद की सुरक्षा में जो लोग बाहर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो भी संसद के वेल में जा सकते हैं, संसद के सदनों में जा सकते हैं। तो एक तरह से आप समझिए कि एक दिन पहले सरकार ने उस समय रणनीति बना ली थी कि हमें विपक्ष के सदस्यों को मैन हैंडल्ड करना है, यानी शारीरिक डर दिखाना है, और शारीरिक डर दिखाने के बाद जो है उन्होंने विपक्ष की आवाज़ को दबाया। अब जो है जब ये लोकसभा की बात हुई तो 4.5 मिनट में जो है लोकसभा में जो है तीनों किसान बिल निरस्त हो गए। मैं तो उस समय बाई चांस जो है कार्यवाही देख रहा था, मैं टॉयलेट गया, टॉयलेट करके जब तो बाहर आया तो पता नहीं बिल जो है पास हो गए। तो मैंने कहा ये तो फ्लश कर दिया इन्होंने बिल का। तो भारतीय संसद को इन्होंने एक बहुत बड़े कमोड में बदल दिया है कि उसमें आप कुछ भी गंद संद डालें और चैन घुमाएं और सारा जो है पानी में चला जाए और किसी को बोलने ना दें। तो ऐसे में मुझे हरियाणा की एक कहावत बड़ी अच्छी लगी थी है, हरियाणा की एक कहावत है कि ठाडा मारे रोने ना दे और खाट छीन ले सोने ना दे, कि यानी ऐसे मारा कि आदमी जो है रोने तक भूल गया, इतनी उसको दहशत पहुंची उसकी, इतना उसका दर्द हुआ कि वो रोना भूल गया, और किसी की खाट छीन लो तो बेचारा सोने से। तो इन्होंने विपक्ष को जो है विपक्ष के साथ ऐसा बर्ताव करना शुरू किया है जो कि नाजी के हिटलर के जो नाजी रूल था उस समय होता था। तो ये एक फासिस्टवादी सरकार जो है उसने देश की संसद पे कब्जा कर लिया, और देश की संसद पे कब्जा करने का नतीजा ये हुआ कि संसद में बिलों पे बहस नहीं होती, किसी को नहीं पता बिल आए गए कहाँ गए, ना पेश होते, ना उनको रखा जाता, ना उनकी बहस होती, ना उनका जो है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीज़न। जब भी कोई मंत्री सदन में कोई भी बिल रखता है तो हर बिल के सामने पहले लिखा होता है उसका ऑब्जेक्ट एंड रीज़न क्या है, वो पढ़ता है, अब वो पढ़ के कहता है जी मैं इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप देखिए जब कृषि बिल आए ना तब पढ़ा गया, और ना जब कृषि बिल हटाएगा तब पढ़ा गया। तो इसका मतलब यह है कि संसदीय मर्यादा और आचरण भी भूल गए। और हमारे एक पत्रकार मित्र शंभु शुक्ला, उन्होंने तो ये कहा कि जो लोकसभा अध्यक्ष है वो भी जो है एक तरह से बिगड़ैल टीचर की तरह बर्ताव करता है, बच्चों की बात नहीं सुनता। तो एक तरह से संसद में जो सभापति है उसका आसन, अध्यक्ष का आसन जो है बड़ा उसमें मूल्यांकन उसमें रहे, और दूसरे लोकसभा अध्यक्ष रहे तो सबकी एक मर्यादा थी, लोग उनकी इज्जत करते थे और वो सांसदों का उनके हितों की रक्षा करते थे। तो मुलगांवकर वाली संसदीय परंपरा तो गायब हो गई, मीरा कुमार वाली भी गायब हो गई, और सुमित्रा जो बहन थी जो कि इंदौर की बड़ी प्रसिद्ध नेता थी उनकी मर्यादा भी गायब हो गई। अब तो जो है स्पीकर आता है वो मूर्ति की तरह बोलता है, ऐसे लगेगा जैसे कि AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला कोई जो है आदमी पुतला बैठा दिया है और वो बोलता है, ना उसे सांसदों से मतलब है ना किसी चीज़ से मतलब है, बस वो पाँव 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 होती रहेगी और वो जो है संसद की मर्यादाओं को भंग करते रहेंगे। यही हाल जो है वेंकटा नायडू जो है वो वहाँ पर करते हैं राज्यसभा में, वो सभापति की जगह कभी रोने लगेंगे कभी हंसने लगेंगे, लेकिन जो है करेंगे वही जो मोदी जी उनको निर्देश देते हैं। तो आज के दिन की संसद जो है, आज के दिन की संसद के तीन अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा का स्पीकर होता है, एक राज्यसभा का उपसभापति वो सभापति होता है। तो तीनों को अगर मिला लेंगे तो तीनों जो है गांधी जी के तीन बंदर थे, अब मोदी जी के तीन बंदर हैं, और इन तीन बंदरों ने देश की संसद को पूरी तरह से अपमानित करने का पूरा ठेका ले रखा, और इसीलिए संसद में बहस नहीं होती। अगर संसद की आप कार्यवाही देखेंगे, पहले तो कोरोना की बात उठाई कि कोरोना आ गया तो संसद के सत्र को सीमित कर दो, कि लोकसभा सुबह लगेगी राज्यसभा शाम को लगेगी, चार घंटे ये लगेगी चार घंटे ये लगेगी। उसके बाद जो है कोरोना के आड़ में जो है उन्होंने जो है प्रेस गैलरी बंद कर दी,
विजिटर गैलरी बंद कर दी, ऑफिसर्स गैलरी बंद कर दी। अब संसद के अंदर जो हो रहा है वो बाहर के आदमी को नहीं पता चलेगा टीवी के अलावा। तो टीवी के लिए इन्होंने क्या किया, राज्यसभा और लोकसभा टीवी है उन दोनों को बंद कर दिया और एक नया टीवी बना दिया जिसका नाम रख दिया संसद टीवी। वो भी जो है वो टीवी ऐसा है जो जो चीज दिखानी होती है वो नहीं दिखाता, वो भी आपको एक तरफा ही लगेगा। वो नहीं एक तरफा नहीं, उसका मकसद ही खत्म हो गया। यानी कि आप ये संसद के आप समझिए अगर उस चार दीवारी के अंदर क्या हो रहा है ये देश की जनता को कैसे पता चले, ये ना पता चले, ये पूरी व्यवस्था कर दी गई है और पूरी की पूरी जो संसदीय मर्यादाएं हैं उनको खत्म कर दिया गया है। पहले होता था कि कोई भी बिल आता था तो उसके लिए संसद में सबसे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पर समिति सिस्टम होता है, पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं और हर कमेटी अपना फंक्शन करती है, उनका इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है, वो जो है अपना जब संसद सत्र में नहीं होती यानी संसद चल नहीं रही होती तो उस दौरान वो सब कमेटियां अपना काम करती हैं। सोमनाथ चटर्जी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि हर सांसद कम से कम 3 समितियों का सदस्य बने। लेकिन अब आप कभी नहीं सुनते होंगे कि डिफेंस के मुद्दे पे कोई संसदीय समिति की बैठक हुई या स्वास्थ्य के मुद्दे पर हुई या जो है कृषि के मुद्दे पर हुई या फाइनेंस की हुई। संसदीय समितियों की व्यवस्था को पूरी तरह से धीरे धीरे ऐसा विकलांग बनाया जा रहा है कि कोई भी सांसद अपनी बात वहां ना रख सके। पहले हर बार आता था जी बिल रखा गया है, सेलेक्ट कमेटी को भेजा जा रहा है, जनता से उसके प्रतिवेदन या विचार मांगे जा रहे हैं, अखबार में ऐड छपता था, टीवी में आता था कि आप अपनी राय दे सकते हैं। अब वो राय देने की व्यवस्था भी खत्म कर दी है। यानी संसद एक तरह से सिर्फ हाथ उठाने वाले लोगों का संघ बन गई है। और ऐसे में मुझे एक पुराना चुटकुला याद आता है कि MP था वो सो रहा था तो उसे पड़ोस वाले से कहा जी जब कोई वो हो बिल पे कोई किसी तरह की कोई अगर मत विभाजन हो तो मेरा हाथ उठा देना। अचानक उसके पड़ोस वाले ने उसका हाथ उठाया तो हाथ उठाने के बाद वो खैर सोता रहा थोड़ी देर बाद, जब उसकी नींद खुली तो उसने पूछा भाई मेरा हाथ क्यों उठाया था, तो उसने कहा जी जो लोकसभा अध्यक्ष है वो ये पूछ रहे थे कि कितने सांसद यहाँ पर सो रहे हैं। अच्छा तो आप सो रहे थे तो मैंने आपका हाथ खड़ा कर दिया। तो ऐसी हालत में जो है संसद को एक तरह से जैसे हम कहते हैं बिल्कुल भेड़ की तरह बना दिया गया जो बोलती नहीं है। यानी संसद का काम है बोलना, संसद अगर बोलेगी नहीं तो जनता अपनी बात को कैसे व्यक्त करेगी, सांसद अपनी व्यथा को कैसे व्यक्त करेंगे। हमने देखा कि कोरोना काल में सांसदों की उतना अपमान हुआ, मंत्रियों तक का हुआ, भारत सरकार के सचिव स्तर के कई अधिकारी तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मर गए। तो जो आप समझ सकते हैं जो IAS शीर्ष IAS ऑफिसर हैं जो आज के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं उनके ही बड़े करीबी 2-3 दोस्त थे जो मुझे पता है कि नोएडा में और दूसरी जगह मर गए, लेकिन वो भी चू नहीं कर पाए। तो ये संसद जो है एक तरह से गूंगी और बहरी संसद हो गई है। और जब गूंगी और बहरी संसद हो जाती है तो हमारे जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि अब जो है अगर सड़कें चुप हो जाएंगी तो संसद जो है आवारा हो जाएगी। तो ये संसद तो आवारा से भी ज़्यादा लाचार और लुंजपुंज हो गई है। इस संसद को जो है इस समय पाला पड़ा हुआ है और ये संसद लोगों की समस्याओं के ऊपर विचार करने काबिल नहीं रही है। और इसीलिए हर सरकार जो है अपनी मन मर्जी का काम करती है, हर राज्यसभा जो राज्य सरकार जो है वो पूरी तरह से अपनी मन मर्जी करती है। कभी कहेंगे बुलडोजर चला दो, कभी कहेंगे UAPA में बंद कर दो, कभी कहेंगे लोगों पे जो है NSA लगा दो, कभी कहेंगे लोगों को जो है फलाने इनकी संपत्ति जब्त कर लो। और बाद में जब अदालतों में वो मामला 2-4-6 महीने साल बर्बाद आता है तब पता चलता है जी कि ये सरकार का कदम गलत था। लेकिन अगर आप समझिए किसी आदमी को 2 साल जेल में रखकर आप बाद में हाई कोर्ट कहे कि भाई ये आदमी गलत बंद था, जैसे शर्जील इस्लाम के बारे में हो रहा है कि अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है और दूसरी कोर्टों ने कहा है भाई इस पे जो ये आरोप हैं ये सिद्ध नहीं होते। इसी तरह हम देखते हैं कि वो गोरखपुर के डॉक्टर थे उनके खिलाफ डॉक्टर कफील, हाँ कफील के बारे में भी ये हुआ कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए कि इन्होंने जो है बच्चों को ऑक्सीजन नहीं दी जबकि उन्होंने खुद अपने कंधे पर सिलेंडर रखकर ऑक्सीजन दी उनको, तो आप देखते हैं उनको बाद में पता चलता है जो एग्जोनरेट कर दिया कोर्ट ने कि आरोप पुष्ट नहीं होते। तो उन आरोपों की पुष्टि का क्या मतलब अगर आदमी को आपने पहले ही सजा दे दी, और सजा इसलिए दे दी क्योंकि अदालत ने उसकी सुनवाई नहीं की। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, संसद नकारा होगी तो भारत की सारी जो वैधानिक संस्थाएं हैं वो भी अपने आप में बेकार हो जाएंगी, क्योंकि संसद का काम ही है उन संस्थाओं पर निगरानी करना, नियंत्रण रखना, उनकी चाक चौकसी करना। और संसद का काम है वॉच डॉग का, लोकतंत्र में संसद जो है पहरेदार है। लेकिन अगर पहरेदार के ही आप हाथ पांव टांग तोड़ दो, उसके कान में जो है रुई ठूस दो, उसकी आँखें में जो है सुए घुसेड़ दो, उसके मुँह में जो है गट्ठर घुसेड़ दो, तो वो संसद का ही की
तो ये संसद जो है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली संसद नहीं है, ये संसद लोगों के अधिकारों पर खटाक से मोहर लगा देती है। बिल आया पढ़े बिना क्या करना है, पास करना है, लो जी पास हो गया, और लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे पास हो गया, राज्यसभा सभापति और उपसभापति कहेंगे पास हो गया। तो इसका मतलब यह है कि संसद अपनी मर्यादाएं भूल गई हैं, और इसका कारण यह है कि सरकार ने, विपक्ष ने, मीडिया ने लोगों को ये शिक्षित करना बंद कर दिया है कि देश के असली मालिक देश के लोग हैं। हम वोट देते हैं तो सरकार बनती है, हम टैक्स देते हैं तो सरकार चलती है, लेकिन हमें ऐसा बना दिया गया है कि जैसे मोदी जी राजा हों और हम उनकी प्रजा हों, हमें बोलने की आज़ादी नहीं है। और इस तरह की शिक्षा व्यवस्था की गई है, इस तरह की आपके माइंड को बनाया गया है कि आप सच को बोल ना सकें ना जान सकें। तो आप समझिए, जिस आदमी को सच का ज्ञान नहीं है वो बोलेगा कैसे? तो देश की जनता को लगातार जानबूझकर पिछड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान यह है कि देश के लोग तो मूर्ख रहेंगे, भारत मूर्खों का गणतंत्र बनेगा, भारत भूखों का गणतंत्र बनेगा, भारत जो है अधरंगे लोगों का गणतंत्र बनेगा, लेकिन जो दूसरे देश हैं, चाहे वो चीन हो, जापान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वो हमसे ताकतवर हो जाएंगे, और एक समय में हिंदुस्तान एक खड्डा हो जाएगा जिसमें लोग झांक के कहेंगे कि यहाँ जाहिल लोग बसते हैं, और तब आने वाले समय में हमारी जो सुरक्षा और स्वतंत्रता है उसको खतरा देश की जनता की वजह से विदेशों से ज़्यादा रहेगा, और तब हिंदुस्तान का आदमी जागेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, आपने पूरे संसद का जो लेखा जोखा फिलहाल अभी चल रहा है वो सारा बता दिया, साथ ही आने वाले जो भविष्य में खतरा पैदा हो सकता है वो भी बड़े अच्छी तरह से समझाया। फिर आपसे किसी और एपिसोड में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। इस खबर को आप लोग शेयर कर सकते हैं।